नमस्कार साथियों, ये क्लास इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ ट्रांसलेशन की भी है। इसमें हम आपको ग्रामर और टेंस के माध्यम से इसे ट्रांसलेट करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, कैसे वर्ब, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को अरेंज किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें आपको बहुत सारे ऐसे नए वर्ड मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इंग्लिश पढ़ने लिखने में आपको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चलिए बिना देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे पढ़ सकें। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा कहानी का जो माध्यम है वो भी आपको समझ में आएगा। इसमें आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। चलिए बिना देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप कीजिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। इंग्लिश रीडिंग, ये हम पहले ही बता दिए कि ये क्लास क्या है, इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ क्या है, इंग्लिश ट्रांसलेशन की भी है। इंग्लिश रीडिंग, अब देखिए यहाँ पे लॉन्ग ए लॉन्ग मतलब बहुत समय पहले। लॉन्ग ए लॉन्ग का मतलब क्या आता है, बहुत पहले, यहाँ पे बहुत समय पहले, बहुत पहले। देयर लिव्ड टू फिश एंड ए फ्रॉग इन ए पॉन्ड। लिव्ड मतलब क्या आता है, यहाँ देखिए लिव है, लिव में सोता रहना, यहाँ पे क्या है वर्ब का दूसरा, यहाँ पे ईडी लगा है मतलब क्या है वर्ब का दूसरा रूप लगाया, यहाँ क्या हो जाएगा रहता था। टू फिश यानी दो मछली और एक मेढक इन ए पॉन्ड, इन मीन्स क्या होता है, ए पॉन्ड मतलब होता है एक तालाब, यानी एक तालाब में बहुत समय पहले एक तालाब में दो मछली और एक क्या मेढक रहता था। द नेम ऑफ टू फिश, दो मछलियों का नाम, नाम ऑफ मतलब का या फिर की, दो मछलियों का नाम था सद्बुद्धि एंड सुबुद्धि। सद्बुद्धि और सुबुद्धि, दोनों मछलियों का नाम क्या था, सद्बुद्धि और सुबुद्धि था। द नेम ऑफ द फ्रॉग यानी मेढक का नाम, और मतलब क्या होता है काया फिर की, ठीक है, फ्रॉग मतलब क्या होता है मेढक, यानी मेढक का नाम था एक बुद्धि। यहां पे देखिए दो मछली और एक मेढक था, एक मेढक का नाम क्या था एक बुद्धि था, और दोनों मछलियों का नाम क्या था सुबुद्धि और सद्बुद्धि, ठीक है। चलिए आगे देखें तो क्या हो जाएगा, वन डे एक दिन, वेन द देयर, देखिए वेन मतलब होता है जब, द थ्री फ्रेंड्स तीनों दोस्त वे आर टॉकिंग टू ईच अदर। टॉकिंग मीन्स क्या होता है बात करना, टॉकिंग मीन्स होता है बात करना, यहाँ पे क्या है आईएनजी लगा है इसलिए क्या बात कर रहा था। यहाँ पे कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, बात कर रहा, ठीक है। जब तीनों दोस्त क्या बात कर रहा था, ठीक है, ईच अदर मतलब होता है आपस में या फिर एक दूसरे से, यानी जब वे एक दूसरे से बात कर रहे थे, ऑन द एज ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स क्या था तालाब, एज मीन्स क्या था मतलब किनारा, ऑफ मतलब का या फिर की, ऑन मतलब क्या था पर, यानी तालाब के किनारे पे क्या एक दूसरे से बात कर रहे थे। सम फिशरमैन, कुछ मछुआरे ठीक है, पास बाय मतलब गुजरा ठीक है, बाय मतलब क्या था पास बाय मतलब क्या, बगल से आप किसी के बगल से आप गुजर रहे हैं मतलब उसका मतलब क्या होता है पास बाय, ठीक है। द वेयर कैरिंग बास्केट एंड नेट्स विथ देम यानी वे थी, ठीक है, यहाँ पे था या फिर थी, कैरी मतलब क्या ले जा रहा था, ले जा रहा यानी वे ले जा रहा था बास्केट और नेट, यानी बास्केट मतलब होता है टोकरी जिसमें मछली को पकड़ के रखते हैं, ठीक है, टोकरी और जाल, ठीक है, विथ देम यानी अपने साथ या फिर उनके पास क्या था मतलब बहुत सारी क्या टोकरी और जाल थी।
वित्त मतलब क्या आता है, सात, त्या मतलब क्या, उनके। देसाव, उसने देखा, उसने देखा द पॉन्ड यानी तालाब, और उसने तालाब को देखा और कहा, सेड मींस क्या था, कहा, सेम इस होता है कहा ना, यहाँ पे क्या भर्ब का दूसरा रूप है इसलिए क्या हो जाएगा, कहा वन अनदर यानी एक दूसरे से, एक दूसरे से कहा दिस पॉन्ड सीम टू बी फुल ऑफ मच फिश यानी यह तालाब सीम मतलब क्या दिखता है या फिर लगता है, दिखता है ठीक है, टू बी मतलब होने का फुल ऑफ फिश यानी मछली, मछली से भरा यानी यह तालाब मछली से भरा हुआ लग रहा है या फिर लगता है ठीक है। लेट्स कम टुमोरो, चलो, लेट्स मींस क्या होता है चलो ठीक है, कम मतलब क्या आते हैं, टुमोरो मतलब कल, यानी मछुआरे ने क्या क्या एक दूसरे से कि चलो ये मछली ये तालाब जो है ये बहुत भरा हुआ मछली से लग रहा है, चलो कल आते हैं ठीक है, एंड कैच देम और इन्हें पकड़ते हैं, उन्हें कैच मींस क्या था पकड़ना, और उन्हें क्या पकड़ते हैं ठीक है। व्हेन द फिशरमैन लेफ्ट द प्लेस यानी जब द फिशरमैन यानी मछुआरे, मछुआरे लेफ्ट मतलब क्या निकल गया या फिर चला गया, चला गया द प्लेस यानी उस स्थान से, जब मछुआरे उस स्थान से चला गया द फॉक्स सेड यानी मेंढक ने कहा, मेंढक ने कहा टू द फिश यानी मछली को, मेंढक ने मछली को कहा, मछली से कहा दोस्तों, फ्रेंड्स मींस क्या था दोस्तों, तुम भी यू आल्सो मतलब तुम भी हेड मतलब क्या सुनाओ, तुम भी सुना व्हाट द, व्हाट मतलब क्या, फिशरमैन यानी मछुआरे, मछुआरे सेड मतलब क्या कहा ठीक है, मछली ने क्या कहता है मतलब मेढक ने क्या कहता है कि तुम लोग भी क्या सुना कि मछुआरे ने क्या कहा ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या कहता है, लेट्स लीव दिस पॉन्ड, चलो लीव मतलब क्या छोड़ देते हैं, चलो छोड़ देते हैं दिस पॉन्ड यानी यह तालाब, इमिडिएटली मतलब होता है तुरंत, चलो इस तालाब को तुरंत छोड़ देते हैं और गो टू सम अदर यानी चले जाते हैं, सम मतलब क्या आता है कुछ, अन्य पॉन्ड मतलब क्या तालाबों में मतलब और क्या कुछ अन्य मतलब या फिर कई अन्य दूसरे तालाब में चले जाते हैं, टू सेव आवर लाइफ, सेव मतलब क्या बचाने के लिए, आवर लाइफ मतलब क्या है अपना जीवन यानी अपना जीवन बचाने के लिए क्या किसी और तालाब में चले जाते हैं, बट टू फिश यानी लेकिन दोनों मछली अब दोनों मछली क्या करता है, लाफ मतलब क्या था हंसा, दोनों मछली क्या हंसा ठीक है। सुबुद्धि सेड, सुबुद्धि ने कहा क्या कहता है, वेल ठीक है ठीक है, वेल मतलब क्या था ठीक है, एज फॉर एज जहां तक लगता है ठीक है, जहां तक एज फॉर एज का मतलब क्या था जहां तक, एज फॉर एज का मतलब जहां तक, आई थिंक मुझे लगता है, मुझे लगता है द फिशरमैन यानी मछुआरे विल नेवर कम वापस, नहीं मतलब क्या होता है, नेवर मींस क्या होता है कभी नहीं, कभी नहीं, कम मतलब क्या था, कम मींस होता है आना, यहाँ पे क्या हो जाएगा आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है विल है, जहां तक मुझे लगता है कि मछुआरे कभी नहीं वापस आएंगे, बैक मतलब कम बैक मतलब क्या था वापस आएंगे ठीक है। टू कैचर्स मतलब हमें पकड़ने के लिए, कैच मींस क्या था हमें, वी मतलब होता है हमें, कैच मींस होता है पकड़ना ठीक है, हमें पकड़ने के लिए कभी वापस नहीं आएंगे, बट इवन फिर भी यदि, लेकिन फिर भी, बट मींस क्या होता है लेकिन ठीक है, फिर भी इफ, इवन इफ का मतलब होता है फिर भी,
फिर भी डे डू ऐसा करेंगे, यानी वे कैसे मतलब वे करेंगे, यानी वे करेंगे, दे विल नेवर बी एबल टू ट्रैप अस, मतलब वे नहीं सकेंगे, ठीक है। वे विल मतलब दे मतलब क्या था, यहाँ पे देखिएगा TH दे WILL, ठीक है। इसका क्या है, शॉर्ट फॉर्म ये है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ये है, इसको कहते हैं दे विल, यानी वे, मीन्स क्या, तो वे नेवर बी एवर यानी सक्षम नहीं हो पाएंगे टू ट्रैप अस, यानी हमें पकड़ने में, या फिर हमें मतलब हमें ले जाने में, या फिर पकड़ने में, ठीक है। नेवर मतलब क्या था, कभी नहीं, कभी नहीं, एवर मीन्स क्या था, सक्षम, ठीक है। ट्रैप मतलब क्या था, पकड़ने में, अस मीन्स क्या था, हमें हमें पकड़ने में कभी भी सक्षम नहीं हो पाएंगे, बिकॉज, क्योंकि, अब आगे देखिए क्या बोलता है, क्योंकि वी आर एक्सपर्ट, यानी हम हैं एक्सपर्ट, मतलब क्या आता है, आप किसी भी चीज को काम मतलब आप किसी भी काम को बहुत बढ़िया से कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपर्ट। जैसे मछली क्या है, स्विमिंग करने में क्या बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, ठीक है, स्विमिंग मतलब क्या, तैरने में, ठीक है, यानी मछली यानी बोल रहा है कि हम एक्सपर्ट है तैरने में, और वी नो हाउ टू सेव आवर स्लेव, हमें पता है या फिर हम जानते हैं, हमें पता है या फिर हम जानते हैं हाउ टू सेव, कैसे बचना चाहिए, या फिर कैसे बचाना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, या फिर बचाना चाहिए आवर स्लैब यानी स्वयं को, यानी हमें पता है कि अपने आप को कैसे बचाना चाहिए, ये मछली का कहना है। अब देखिए जाता कैसे भी है, लेकिन द फ्रॉग वॉज नॉट कन्वेंस, लेकिन मेढक नहीं थी, वॉज नॉट मतलब क्या, नहीं थी, कन्वेंस मतलब क्या, सहमत, लेकिन मछली क्या सहमत नहीं थी, विथ द व्यू ऑफ द फिश, यानी विथ मतलब क्या, साथ, व्यू मतलब क्या था, उसका कह सकते हैं उसका सोच, या फिर उसका जो उसने जो कहा उसके बात पे वो क्या मतलब उसके बात पे वो क्या सहमत नहीं थे, या फिर हम कह सकते हैं विचार, या फिर क्या हो जाएगा, विचारों ऑफ मतलब कहा, या फिर कि फिश मतलब होता है मछली, यानी मछली के विचारों से क्या वो सहमत नहीं था, कौन, मेढक, ही सेड, उसने कहा, उसने कहा, लेकिन ठीक है, आई फाइंड माई सेल्फ नॉट टू एक्सपर्ट, मैं माई सेल्फ स्वयं नॉट मतलब क्या, नहीं, या फिर यहाँ पे फाइंड है ना, मैं अपने आप को ठीक है एक्सपर्ट नहीं मानता हूं इतना, ठीक है। एक्सपर्ट मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट ये ठीक है, इन स्विमिंग, इन मीन्स क्या होता है, मैं स्विमिंग मतलब होता है तैरने, मैं अपने आप को तैरने में उतना एक्सपर्ट नहीं मानता हूँ, या फिर मैं नहीं हूँ, ठीक है। आई विल आइडेंटिफाई लिव, सॉरी यहाँ पे डिफिनेटली है, मैं यहाँ पे क्या आई विल है, ठीक है, आई विल डिफिनेटली मैं करूँगा, या फिर डिफिनेटली मतलब क्या था, तुरंत मतलब निश्चित रूप से, सॉरी आई विल डिफिनेटली मैं निश्चित रूप से, निश्चित रूप से लीव मतलब क्या था, छोड़ दूंगा, दिस पॉन्ड यानी यह तालाब, ठीक है, लॉन्ग मिस क्या होता है, साथ होता है, विथ माई फैमिली, विथ मतलब क्या होता है, साथ, माई मिस क्या होता है, मेरे परिवार, मैं अपने परिवार के साथ इस तालाब को निश्चित रूप से छोड़ दूंगा, ठीक है। बाय दिस इवनिंग मतलब यह शाम को, या फिर इस शाम को, टू सेटल डाउन, सेटल मीन्स क्या होता है, बसना होता है, सेटल डाउन मीन्स क्या होता है, बसना, सेटल डाउन इन सम अदर पॉन्ड्स एंड वेल, यानी कुछ अन्य तालाब और कुओं में, तालाब और तालाब या कुआं, तो यहां पे क्या बोल रहा है कि आज मतलब इस शाम को छोड़ दूंगा और सेटल डाउन मतलब क्या, बस जाऊंगा, या फिर चले जाऊंगा, या फिर मतलब मैं रहूंगा, या फिर बस जाना है, या फिर इसका उचित तिथि होगा, ठीक है, इन कुछ मतलब कुछ अन्य तालाबों और कुओं में, द सेम इवनिंग यानी उसी शाम को, उसी शाम, द फ्रॉग यानी मेढक अबंडेड मतलब क्या था, छोड़ दिया, मेढक ने क्या किया, छोड़ दिया द पॉन्ड यानी तालाब,
विथ अलोन मतलब क्या होता है, साथ, विथ हिज फैमिली, विथ मतलब क्या साथ, ठीक है, अलोंग विथ मतलब क्या आता है, हिज फैमिली अपने परिवार, अपने परिवार के साथ छोड़ दिया और वेंट टू ए नियर बाय पॉन्ड, वेंट मतलब क्या चले गया, गो मीन्स होता है जाना, गो का यहाँ पे क्या वर्ब का दूसरा रूप है इसलिए क्या होगा चले गया, टू नियर बाय यानी पास का तालाब में, और पास के तालाब में क्या हुआ चला गया। नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, अगले दिन द फिशरमैन कम यानी मछुआरा, मछुआरा कम मतलब क्या था आया, क्या मिस होता है कम मिस होता है आना, यहाँ पे क्या वर्ब का दूसरा रूप है इसलिए क्या हो जाएगा आया टू द पॉन्ड यानी तालाब में आया, दे कैच देयर नेट, कैच मतलब क्या था वे, कैच मतलब क्या था बिछा दिया या फिर फेंका, ठीक है, देयर मतलब क्या था अपना नेट मतलब होता है जाल, यानी उसने क्या किया अपना जाल बिछाया, ठीक है, और कैच ऑल द फिश यानी कैच मतलब क्या था पकड़ लिया सभी मछलियां पकड़ लिया, टू फिश यानी दो मछलियां, टू फिश मतलब दो मछलियां, ट्राई टू स्केप इन, ट्राई मतलब क्या कोशिश किया, ठीक है, स्केप मतलब क्या था भागने की या फिर बचने की, भागने की कोशिश किया, बट इन इवेंट लेकिन वैन का व्यर्थ, लेकिन लेकिन क्या वो व्यर्थ रहा, बात समझ में आ रही है। आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, दे ऑल्सो गॉट ट्रैप यानी वे भी गॉट ट्रैप मतलब क्या था फंस गए थे, फंस गए इन मीन्स क्या होता है मैं द नेट यानी जाल में वे भी क्या फंस गए थे, और डेड मतलब मर गए। वेन द फॉग यानी जब फॉग मतलब क्या था मेढक, जब मेढक ने देखा और हिज वाइफ, जब मेढक और उसकी पत्नी स्वामी क्या था देखा द फिशरमैन यानी मछुआरा को, जब मछुआरे को देखा रिटर्निंग विथ ए लॉट ऑफ फिश, रिटर्निंग मतलब क्या था वापस आते हुए, जब वापस आते देखा, विथ मतलब क्या था साथ, ए लॉट ऑफ मतलब बहुत सारी, लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारी मछलियों, इन देयर नेट इनमें क्या था मैं देयर मतलब क्या था उनके जाल। जब देखे यहाँ पे अब क्या बोल रहा है कि जब उसको देखा यानी मेढक और उसकी पत्नी ने मछुआरों को अपने नेट में बहुत सारे मछलियों को वापस आते हुए देखा, दे बिकम वेरी सैड यानी वे बिकम मतलब क्या था हो गए वेरी सैड मतलब क्या था बहुत उदास, यानी वे क्या बहुत उदास हो गए, दे लुक्ड यानी वे देखा एट नेट मतलब जाल, ठीक है, वे जाल को देखा, बिथ मतलब क्या था साथ, ठीक है, टीयरफुल आए मतलब फटी आंखों से, फटे आंख या फिर आंसुओं से भरे आंखों से, यानी पूरे देखिए आंख में किसी का पूरा आंसू भर जाता है उसको फटी आंख बोलते हैं या फिर आंसुओं से भरे आंखों से, ठीक है, देखा। दे साव उसने देखा या फिर वे देखा क्या देखा दैट मतलब कि देयर टू फ्रेंड्स यानी उनके दोनों दोस्त ठीक है सबुद्धि और सद्बुद्धि आल्सो मतलब क्या भी हैड समिडेड मतलब क्या ग्रास, समिडेड मतलब क्या ग्रास टू दैट यानी मृत्यु, मृत्यु के ग्रास में क्या समा गया था, इसलिए कहता है कि भाई दिमाग वहीं लगाओ जहाँ पे दिमाग लाया जाता है, अपने आप को बचाने के लिए वे सभी प्रयास करो जो कि बचाया जा सकता है। अब देखिए ये अपना घमंड में रह गया, क्या कहने लगा कि मैं एक्सपर्ट हूँ तैरने में, इसके चक्कर में ये फंस गया, इसलिए अपना एक्सपर्ट ठीक है लेकिन सबसे पहले जान होती है, ठीक है, चलिए इस वीडियो में ये था, फिर मिलते अगले वीडियो में, जय हिंद।